दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी। उस रैली का जो मकसद था वो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था। बड़ी रैली हुई थी, हजारों की संख्या में उस रैली में लोग मौजूद थे। रैली के मंच पर बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से मनोहर लाल की शान में कई कसीदे पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनोहर लाल मेरे बुलेट के साथी हैं। बोलते थे कि मोटरसाइकिल मनोहर लाल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए, कि वो एक ही चारपाई पर एक ही चटाई पर सोते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, लंबा समय साथ काम किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजनीति का उनका अभी शुरुआती दौर था बीजेपी की राजनीति का, तो उस दौरान वो हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे और हरियाणा के संगठन मंत्री थे मनोहर लाल। और इससे पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हुए, उस समय भी मोदी और मनोहर लाल इकट्ठे रहा करते थे। तो उस रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने जब तमाम बातें कही थी मनोहर लाल के बारे में, तो वो राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गए थे। तमाम राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा थी कि मोदी के बहुत नज़दीक हैं मनोहर लाल और मोदी के दिल में हैं मनोहर लाल। लेकिन देर शाम और अगले दिन जो हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उस राजनीतिक घटनाक्रम में हुआ ये कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी भी वैसे मनोहर लाल के बहुत नज़दीकियों में हैं। अगर आप ये कहें कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के ही शागिर्द हैं पॉलिटिकल रूप से, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। खुद नायब सिंह सैनी भी कई बार मान चुके हैं। मनोहर लाल ने भी कई बार कहा है कि हमने नायब सिंह को बड़ी मुश्किल तैयार किया। खैर, मैं मनोहर लाल पर आ रहा हूँ। जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो तमाम, चाहे वो पॉलिटिकल एनालाइज करने वाले लोग हों, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया पर, तमाम जगह कहा गया कि मनोहर लाल के दिन चले गए। अब लोगों ने उसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। किसी ने तो ये कहा कि मोदी अब मनोहर लाल को पसंद नहीं करते, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपको ध्यान होगा, मैंने तब भी अपने वीडियोज़ में कहा था कि मनोहर लाल मोदी के बहुत नज़दीक हैं, अगर उनको हटाया गया है तो कोई नई भूमिका जरूर मनोहर लाल की होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि 3 दिन बाद मनोहर लाल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, चुनाव डिक्लेयर हुआ और मनोहर लाल को करनाल लोकसभा का टिकट मिल गया। आपको ध्यान होगा, ये भी मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि करनाल से मनोहर लाल को टिकट मिल सकता है, हमारी वो बात भी सही साबित हुई थी। और आज मैं आपको बताऊं कि जब मोदी पार्ट 3 की सरकार बनने वाली है, हरियाणा के अंदर चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे राजनीतिक तमाम प्रकार की परिचर्चाएं हों, पत्रकारों की हों या विशेषज्ञों की हों, सभी लोग मनोहर लाल पर 100 प्रकार की तोहमत लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को पता है कि मनोहर लाल जरूरी हैं। आप इसे कुछ यूं माने कि जब अब केंद्र की सरकार बनने जा रही है, मोदी पार्ट 3 की सरकार, और उसके अंदर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर संभावित मंत्रियों की जो बैठक हो रही थी, उसके अंदर अग्रिम पंक्ति में शामिल थे मनोहर लाल, जिस पंक्ति में अमित शाह थे, जिस पंक्ति में राजनाथ थे, जिस पंक्ति में पीयूष गोयल थे, उसी अग्रिम पंक्ति में शामिल थे मनोहर लाल। और वो बात बताती है कि मनोहर लाल मोदी के दिल में है, मनोहर लाल कितने नज़दीक हैं। दोस्तों, पिछले दिनों एक चर्चा और भी चली थी कि क्या मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जिस पर अभी फिलहाल तो विराम लग गया है। तमाम चर्चाओं में नाम तो चल रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 30 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई नियुक्ति होगी। नाम मनोहर लाल का आज भी चल रहा है, लेकिन अभी तो मनोहर लाल का नाम कैबिनेट के लिए चल रहा है। संभावना है कि, संभावना है क्या, कि लगभग पूरी उम्मीद है कि आप शाम को जब देखेंगे आज, तो उसमें नरेंद्र मोदी के साथ में मनोहर लाल भी एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले रहे होंगे। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही हरियाणा की राजनीति में, भले ही सियासी पत्रकारों ने, सियासी लोगों ने तमाम प्रकार की अवधारणा बनाई हो मनोहर लाल के लिए,
लेकिन इसके बावजूद भी जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि एक बुलेट के सवार हम रहे हैं, तो अब दोनों एक ही सरकार के अंदर, यानी कि पहले तो ये था कि ऊपर मोदी थे नीचे मनोहर थे, अब एक ही सरकार के अंदर मोदी जिसके मुखिया हुए तो उसी सरकार के अंदर एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे मनोहर लाल। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, इसमें आप मनोहर लाल की भूमिका कितनी मानते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में? और आपको क्या लगता है, एक बार फिर वही सवाल, कि हरियाणा में आसन्न जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें मनोहर लाल की कौन सी भूमिका रहने वाली है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।